नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, जनता कर्फ्यू का पालन करना है। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, एयरलाइंस के कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिस कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, रेलवे, बस, ऑटो रिक्शा की सुविधा से जुड़े लोग हो, होम डिलीवरी करने वाले लोग हो, ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का, संगठनों का कृतज्ञ है। शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाए। कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं ये उजागर। हम अकेले नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है। मैं आप सबको आदर पूर्वक नमन करता। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें। छठी बात, किसी को नौकरी से न निकाल। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको, आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।